इस के वो भाई से ग्रोसरी भी लेकर आता था उसको भी कहने वाली स्टार इवन की यहाँ पे फैशन शो हुआ उसको जो खुसरा बनाया गया उसके अलावा जो उसके दूसरी वीडियो में जो उसको यू 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 यू, यू कर रहा था जो बहुत ही और वो सही से जो है वो काम नहीं होता है, और अटला मैं हम, ये वो बंदी है। हम लोग सब कहते थे रमजान को क्यों लेकर रमजान तो वो है कि जो रुबीना की लाइव में बैठ कर रुबीना की लाइव के मैसेज पढ़ पढ़ के हंसता भी था वहां पर गंदे गंदे मैसेज भी आते थे ना बड़ा अप्रिशिएट करता था और फिर लोग कहते हैं कि उसको मैसेज पढ़ने नहीं आते ऐसी बात नहीं है उसको बहुत अच्छे तरीके से मैसेज मैसेज पढ़ने आती है ये रुबीना और नैना और शाहरुख और ये सब के साथ मिला हुआ है तब भी मिला हुआ था वो मेरी वीडियो अभी भी, भी मौजूद है तब भी मिला हुआ था अब भी मिला हुआ है लेकिन अब ये क्या हुआ है अब ये जी कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है अगर ये शराब पीता है और ये शराब अकेला नहीं पीता इसके साथ साजिद भी पीता है आप लोगों को पता है कि इनके ख़ानदान में शराबें तो बहुत ही आम है अगर फ़ारूक पी सकता है फ़ारूक आके इसके घर में पी सकता है रह सकता है इससे पूछे जब फ़ारूक इसके घर में रह रहा था क्या तब नहीं पीता था क्या जब वो पकाता था तो तब नहीं पीता था सब कुछ करता था लेकिन ये अब चीज़ ला मीडिया पे जब उसने लाइव की और लाइव में बैठकर अपनी आंखें दिखा रहा है सब कुछ कर रहा है किसकी परमिशन से इन्हीं की परमिशन से हुआ है मेरी बहनों ये इन्हीं के ही परमिशन से हुआ है ताकि व्यू आना शुरू हो जाए लोग लाइव लगाए वैक्शन दे वीडियो डालें और इसके ऊपर बात करें वना इसकी घर की बात है ना इसकी घर की बात है ये लोग अपने घर की बातें खुद बाहर निकालते हैं किचन में कैमरा रैटरी का लगा दिया अब जब ये बैठ कर कह रही कि भाई मुझे बताना बहुत ज़रूरी था भाई मैं तो हर एक से वफादारी करती हूँ अगले से मुझे बेवफाई मिल जाती है मैं बड़ा वो करती हूँ घर के काम भी पड़े होते मैं इनको कहती हूँ मत करो रहने दो कोई बात नहीं फिर जहाँ पे नजमा इसके घर में आती सफाई करती झाड़ू पोछा करती और जहाँ पे ये वोकेशन पे जाती और घर वापस आती तो कहती देखो मेरा घर साफ़ सुथरा है तो उसका मतलब है या तो फिर ये झूठ बोल रही थी या फिर ये तब झूठ बोल रही थी कि रमज़ान और उसकी बीवी घर का बड़ा ध्यान रख रहे थे बड़े अच्छे से क्लीन कर रहे थे बड़ा अच्छा इन्होंने वो रखा हुआ था तो क्या तब इसने पहली बार तो नहीं पीना इससे पहली बार पी है नहीं इसलिए पहली जो आदमी को नशा की आदत पड़ जाए ना कभी पहली बार नहीं पीता है अब यहाँ पे ये मसला उठ रहा है जैसे आज कोसर आई ठीक है ना अब जैसे कोसर के बेटे का बड़ा याद बड़ा मिस कर रही थी क्यों मिस कर रही थी उनको पता लग गया जी आज तो फ़ारूक की वीडियो भाई अब उसका बाप भी बैठा होगा उसके बाप ने जो बातें की वो साफ मुकर गया हालांकि नजमा ने उसके बाप से हाथ में लाया था बहाइंड द कैमरा लेकिन यहाँ पर फ़ारूक आप लोगों ने उस टाइम देखा होगा कि किस तरह फारूक नजमा को ऐसे रुकने को कह रहा था बस करने को कह रहा था वो क्लिप वीडियो का मैं आपको चला के दिखा देती हूँ आप ये देख सकते हैं या पिक्चर देख सकते हैं वो उसको बस कर रहा था मना कर बस इतना बहुत हो गया है जितना इनको हमने बोलने को कहा था इसने कोसर के बाप ने बोल दिया कि नहीं इसने हमने नहीं किया या फिर हमने इनको वीडियो नहीं दिया क्लिप नहीं दिया और फिर दूसरी बात ये फ़ौर किसकी वीडियो आ जाती है राबिया की राबिया कहती है मैंने एक एक बात सच है अम्मी का इंतज़ार है सतारा की माँ का इंतज़ार है जैसे ही पाकिस्तान आएंगी तो मेरे पास जो रिकॉर्डिंग मौजूद है वो मैं इसकी माँ को सुनाऊँगी और फिर इसकी माँ फ़ैसला करेगी कि ये मुझे पब्लिक करनी है कि नहीं करनी है यहाँ पर राबिया भी जो है ना डबल चार्ज चल रही है देखिए आप क्यों उसका इंतज़ार कर रहे हो क्यों कर रहे हो और अगर आपको पब्लिक ही नहीं करनी और उसकी माँ को सुनानी तो फिर आप इस बात को खामोश रखो जब उसकी माँ आए उसको सुनाओ और उसकी माँ का जो फैसला वो आप कर लो लेकिन इसने क्या किया इसने भी वीडियो डाल दी इसने भी आके कह दिया लोगों के मुँह में और डाल दिया कि भाई इसके पास चीज़ें मौजूद हैं लेकिन अगर इसकी माँ कहेगी तो ये डालेगी अगर इसकी माँ नहीं कहेगी तो ये नहीं डालेगी अब यहाँ पर इसने डबल चार्जा चली एक तो उस की माँ को मुँह में डाला दुश्मनों के दूसरा इस को डाल दिया और तीसरा नजमा को यहाँ पर ये गंदा कर कर चलेगी तो ये वो लोग हैं इनका कंजर खाना कुत्त खाना जो कुछ भी अपने कट्टे चट्टे बट्टे खोल के रख देते हैं और हम लोग इंतजार में बैठते पता नहीं बैठेगा अपर डाउन लेफ्ट उठ बैठता है और ना ही इनके जो कट्टे चट्टे बट्टे खुलने से बाज आते खोली जा रहे हैं जा जा रहे रहे हैं दूसरे के खोली जा रहे है। लेकिन यहां पे अब चलो मान लेते अम्मी आ गई अम्मी ने सुन लिया अम्मी क्या कहेंगी मत डालो अरे अम्मी उस औरत को माफ कर सकती हैं नैना को गले लगा सकती हैं वोम वेलकम जाके एयरपोर्ट पे कर सकती हैं उसके साथ बैठ कर खा सकती हैं अपनी उस बेटी को जिस बेटी को कहा के तारा से होशियार उस बेटी के घर में जाके रह सकती हैं सलमा की बात कर रही हूँ, खा सकती हैं पी सकती है और फिर सबसे बड़ी बात यह जब ये लोग वोकेशन पे गए थे और जब इसकी माँ बाप ये सब लोग गए थे उस टाइम इसने जब वहाँ पे जाके खरीदारी की थी कुछ फ्रॉक वगैरह खरीदे थे वो वाइट और रेड कलर का डिज़ाइन पड़ा हुआ था वो ये अपने ऊपर जिसम पे लगा लगा के देख रही थी तो क्या अवामाम अंधी है आवा अंधी नहीं है अवाम को पता है कि हो क्या रहा है और ये जो अभी रमज़ान का जो लेकर आया ना अभी रफड़ डाला है बीच में इन्होंने जान बुझ के किया है रमज़ान का चैनल लोग कह रहे थे लाइवर लगा रहे थे रियक्शन जानवर कह रहे थे रमज़ान को मत घर में घुसेड़ो ये रुबीना दिलबर और नैना यह उनका बंदा है ये उनके साथ है लेकिन क्या हुआ सतारा ने क्या क्या किया बड़ी सफाई से कहा नहीं ये बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे मेरे घर की देखभाल करते हैं मेरे रिश्तेदार है तो फिर अगर जब इसने कहा मेरे रिश्तेदार तो फिर आज बैठ कर क्यों अपने रिश्तेदार को दुश्मनों मुंह में डाला फिर आज ये क्यों किचन में कैमरा लगा आज ये क्यों ये सब चीजें खुलकर सामने आई क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि ये लोग दोबारा से सब चीज़ें लाएंगे और रमज़ान को दुश्मनों के मुंह के अंदर डाल देंगे सतारों को पहले ही पता था कि ये पीता है ठीक है सतारों को पहले ही पता था ये सब चीज़ें हैं सतारों को पहले ही पता था घर में कैमरा लगे लेकिन उन्हें उस चीज़ को कैश किया है उस चीज़ को कैश किया है ताकि कैमरा इसलिए लगा कि जैसे सतारा घर पर नहीं होती सम टाइम साजिश सम टाइम नहीं होता बच्चे होते हैं किचन में जाते हैं और खास तौर बिल्ली बिल्ली जैसे इनके चूल्हे के आसपास घूमती रहती काउंटर के ऊपर घूमती रहती कल भी मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाई घूमती रहती तो ये इन्होंने अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए किया कि किचन में जाकर कि चूल्हा ओ ना कर दे कोई बिल्ली खुदा ना खासा कुछ ऐसा हो जाए उस चीज को चेक करने के लिए कि फोन पे हर टाइम ये देखते रहेंगे रमजान के लिए कैमरा नहीं लगाया और रमजान किचन में भी नहीं सोता है रमजान जहां सोता है वो वहीं सोता है और सबको पता है वो कहाँ सोता है जब तक उसकी बीवी थी रूम तो था तो अब वो रूम कहाँ गया कहाँ गया चलो रूम में पेटियां रखी ये रखा वो रखा ये नहीं हो सकता कि रमजान किचन में सोता हूँ नहीं वो किचन में नहीं सोता और दूसरी बात ये अब कौस कब बाप तो इनकार करके चला गया राबिया आ गई राबिया कहती इसकी बेटी ने घर की बातें सतारा की बताती रही अपनी माँ को और इसकी माँ आगे दुश्मनों को बताती रही है सतारा जो करती थी उससे पहले ही लोगों को पता चल जाता तभी तो तारा ने अभी ये स्टेप उठाना है ये इसने करना है और ये करना है वो तो बंदी कहती मैं तो अपनी बात पे वैसी कायम धामू मैं झूठ नहीं बोरी हाँ मुझे दुख इस चीज़ का हुआ है कि कोसम के बाप ने जो है ना राब इसका नजमा का और फारूक का साथ दिया चरपाई पर बैठ कर झूठ बोला है जो उसको नहीं बोलना चाहिए था और वहाँ पे जो फ़ारूक़ की बात सुनकर मैं हंसी जहाँ पर वो कहता है मैं अपना चीज अपनी छाती आगे करूँगा मैं आगे हूँ कोसम भी मेरी बहन है सारा भी मेरी बहन है भाई आपने तब छाती क्यों नहीं आगे की जब आपकी बहन की बहन की बच्चों का चीड़फाड़ हो रहा था तब आप क्यों नहीं मैदान में आए तब आप क्यों नहीं मैदान में आए जब आप ही का जो है बाप जो है वो मार रहा था आपका जो यसुसर जो कुछ भी है वो मार रहा था तब आप क्यों नहीं सामने आए बताओ ना बताओ तब क्यों नहीं सामने आए क्या नजमा का बाप जब मार रहा था सब कुछ कर रहा तब क्यों नहीं सामने आए तब तो आप डर डर आकर बैठ गए तब तो आप बिल्कुल सामने आई तब आप सामने क्यों नहीं आए जब आपके जो ये जो क्या है सल्लू इसने आपके बेटे के साथ जना किया तब आप क्यों नहीं सामने छाती पीट पीट कर आए आते ना बताते ना जवाब देते ना अब यहाँ पे नजमा झूठ बोल रही है कि सारा के लिए मैंने अपने भाइयों से रिश्ता नाता ख़त्म कर दिया ये भी सबसे बड़ा झूठ है आप इनकी वीडियो जा कर देखें जब इसके भाई ने तारा पे गाली ग्रोज देता था अटैक करता था इल्ज़ाम लगाता था दुश्मनों की लाइवों में जा बैठता था तब भी ये अपने भाई से मिलती थी इसका भाई इसके घर में भी आता था ये भाई भी जाती थी वीडियो लोग पड़ी नहीं अभी भी पड़ी है पार्क में जाते थे घूमते थे फिरते थे बर्गर पिज्ज़ा सब कुछ खाते थे तो ये किस तरह कैसे थे किस तारा के लिए मैंने अपने भाइयों को छोड़ दिया नहीं छोड़ा अभी भी सलमा से इसकी बात होती है असगर से बात होती है सल्लू से बात होती है सबसे इस नजमा की बात होती है पर क्या है अभी ये लोग झूठे एक नंबर की ये खानदान झूठा है और इनके जो आ जाते हैं ना चाहने वाले भाई हमारा काम है यहाँ पर ला के इनके कट्टे चट्टे पट्टे खोल के रखना आप आंखें बंद कर कर अपनी आंखों को दोनों को बंद करके आपको ना कि ये अच्छे ही अच्छे अच्छे नहीं है ये लोग पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं सबसे पहले ये लोग एक नशे को वो कर रहे हैं कि एक आदमी इनके घर में नौकर होकर चलो नौकर भी नहीं कहते इनका कज़न कह देते हैं शराब पीता है ठीक है उसी घर में फ़ारूक़ की बेटी रहती है खुदा ना खासा कुछ भी ऐसा होता है तो क्या अब आपको क्या लगता है दुश्मन किस तरह की बातें करेंगे क्या कैमरा इसलिए लगाया कि फ़ारूक की बेटी जो है वो रमज़ान के साथ पकड़ी गई क्या इन दोनों ने पकड़ लिया उसे कुछ भी ऐसा करते हुए है ना ऐसी बहुत सी चीज़ें अभी बाहर निकलेगी तो जान बुझ के इन लोगों ने ये सब चीज़ें की है कैमरा लगा ठीक है लगा क्या जरूरत है बताने की वो अगर घर का काम नहीं कर रहा पहले तो बहुत अच्छा कर रहा था तो एकदम घर का काम करना बंद कर दिया नहीं कर रहा तो आप खामोश रहो आपके लिए वहाँ पे इस बंदी ने तेरा सिस्टर को भी पीछे किया तेरा सिस्टर भी कहती थी कि ऐसा कुछ भी ये सतारा के साथ नहीं करेगा ना तो ये चैनल बनाएगा ना ये ऐसा कोई काम अभी देखो तेरा सिस्टर पीछे होगी बहुत अच्छा वो पीछे हो गई है क्योंकि सतारा ने तेरा सिस्टर की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट तक ना की बिल्कुल भी नहीं की इसलिए वो बंदी पीछे हट गई है साजिद साजिद जो है दुश्मनों को कहकर तेरा सिस्टर के हस्बैंड को भड़काता रहा बोलता रहा उसको फ़ोन करवाता रहा सब कुछ कराता है ये लोग खुद कराने वाले हैं अरे ये कैसी बंदी है जो बंदी कराची से उठा कर इस्लामाबाद ला के बैठाया उस बंदी को कहती कि ये जाती रोज मुँह कर है ऐसा कौन करता है यहाँ पर इसका मतलब है कि ये लोग वफ़ादार नहीं है ये बेवफाई करते हैं अगर अल्लाह ने इनका चैनल ग्रो कर दिया है इनका टिकट लग ही गया इनकी लाटो हम कहते हैं लग गई है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अब जितना भी गंद है जो जितना भी झूठ गंद लेकर लेकर आओ लोग तो बजाएंगे लोग तो आएंगे लोग तो बात करेंगे लोग तो रिएक्शन भी देंगे बात भी करेंगे आप लोगों की चीजों से ही चीजें पकड़ेंगे कि किस तरह आपका भाई कोसर के बाप को समझा के बुझा के उसके मुंह में बातें देकर उसको बैठा के खुद बोल रहा है भाई उसको बोलने दो ना खुद क्यों बोल रहे हो खुद क्यों चीख रहे हो उसको बोलने दो लेकिन आ, आप लोग ने वीडियो देखी सबसे ज़्यादा कौन बोल रहा था फ़ारूक बोल रहा था फ़ारूक के मुंह में उस टाइम कुकरे पड़ गए थे जब उसकी बहन को लोग जो है ना चीर फाड़ कर रहे तब तो सामने नहीं आया है एक बार पकड़ी पकड़ी पहन कर बैठ कर कहने लगा कि बस अल्लाह को पता है किसने क्या किया तब भी इसने आखिश तारा को ही गंदा किया था फ़ारूक ने क्योंकि इन लोगों को पता है कि इनकी बहनें क्या करती है हमारे भाई क्या करते हैं या हमारे माँ बाप क्या करते हैं इनको सब, सब एक एक चीज़ का पता है अब यहाँ पर दिलबर ने आके जो स्टोरी शुरू शुरू की की है 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 तो क्या हुआ क्यों की है? इनको पता है ना और दिलबर से लोगों की क्यों चलती है अब क्यों नहीं साजिद साजिद आता उसको जवाब देता भाई तू कौन सी स्टोरी सुना रहा है क्या हो गया तुझे तुझे किस कीड़े ने काट दिया क्यों आया तू लेकिन उसको पता है कि ये जो कुछ भी बोल रहा है बेशक किसी और की स्टोरी रखकर सुना रहा है लेकिन जो कुछ भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है वो सच बोल रहा है क्योंकि उस तारा कि ख़ुद आप लोग जाकर देखेंगे वहाँ पर जाशा शाह के साथ उसकी पिक्चरें भी मौजूद है सब कुछ मौजूद है उसकी गोद में अगर इजात शाह के साथ इसका कोई भी रिश्ता नाता नहीं है सतारा का तो उसकी गोद में छोटी बच्ची क्या कर रही है एक एक सिंपल सा सवाल है क्या कर रही है तो ये सब चीज़ें दिलबर को पता है क्योंकि दिलबर को इनके कट्टे चट्टे हर चीज़ पता है दिलबर चाहे तो इनको नंगा करके रख दे हो सकता है इस तारा ने अब की बार उसको इतना वो पैसा वैसा ना भेजा हो क्योंकि ब्लैक मेल तो ये करते हैं एक दूसरे को एक दूसरे को ब्लैक मेल करते हैं तो देती रहे हम खामोश रहे जहाँ देना बन किया वहाँ पर ये लोग आब बोला हो जाते हैं वहाँ पर ये लोग दुश्मनों के साथ हाथ में ला लेते तो ये सारी जो जो कुछ भी यहाँ पे गन पाकिस्तान में लोगों ने फैलाया बड़े बड़े यूट्यूबरों ने जैसे भी आप ये देखें ये छोटी सी बच्ची है टिकटॉक कर रही है है ना माँ खुश है माशाल्लाह कह रही है पाँच शेर किसी ने मारे हैं पाँच लाख उसने एक दिन में बैठ के कमाए पाँच लाख एक दिन में भी नहीं थोड़े से टाइम में मैं कल आधा एक घंटे में उसने पाँच लाख कमाए हैं माँ रो रही बच्ची रो रही अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे माँ उसके बाल दिखा रही है उसको संवार लिया उसका मेकअप करी सब कुछ करके उसको सामने बैठा रही है लोग आग बगोला बो गोला हो रही है तो ये अब ये हो चुका है कि ये लोग अपने कपड़े उतारेंगे अपने आप को नचवाएँगे तभी इन लोगों को पैसा मिलेगा वरना ये लोग आराम से फिर बैठ जाएंगे और आराम से ये लोग बैठने वाले नहीं हैं और ये इन लोगों का है ये गंजो मचाते रहेंगे डालते रहेंगे जो कुछ भी इन्होंने करना है वो करते रहेंगे अभी ये देख ले ना अभी आप इस बच्ची को देख ले, इस बच्ची को टिकटॉक पे बैठती है रोज कमाती है पांच लाख आधे घंटे में कमाना यूं 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 यू, पांच लाख है ना तो फिर लोग तो पागल होंगे ना बच्चों को भी पागल किया जा रहा है माँ बाप हट्टा कट्टा इस बच्ची का बाप है हट्टा कट्टा लेकिन क्या है पैसा है डॉलर पैसा तो पैसा क्या है कुत्ती चीज है जहां पैसा फेंको तमाशा देखो तो अब यही हो रहा है अब ये जो कुछ भी हुआ है इस तारा के कहने पे हुआ है ये सब ड्रामा है और कुछ नहीं है पहले तो तारा बता के करती है ना आज हम प्रैंक कर रहे है, आज हैं आज हम फैशन शो कर रहे हैं आज मैं हस्बैंड बन रही हूँ वाइफ बन रही हूँ कोसर बन रही हूँ ये बनी ये भी एक ड्रामा है ये जो इसने नशा करके इसने जो लाइव किया है ये भी एक वो था उनके कहने पर नशा तो उसने तो किया हुआ था ये इनके कहने पर यह सब कुछ वही नशा करेगा बाद में फिर लाइव को ये कर दिया जाएगा फिर इस तारा की वीडियो आएगी इस तारा बैठ के कहेगी भाई ये इस तरह के घर के काम नहीं करते हैं मैं क्या करूँ मैं इनको ये नहीं करती मैं दिल की बड़ी अच्छी मैं हर एक चीज़ से भी करती हूँ वही मुझे दगा नहीं आप से कोई दगाबाजी नहीं करता बल्कि आप उल्टी दगाबाजी करती हैं तो ये सब इन लोगों की प्लानिंग है और अभी बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें ये करते रहेंगे क्योंकि इन्होंने चैनल बनाया है ना पैसा तो कमाना है और जो इन लोगों के हक़ में बोल रहे हैं उनको भी पता है कि अगर जब तक इनके हक़ में बोलेंगे एक तो उनके व्यू बढ़ते रहेंगे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे और लोग उनको अप्रिशिएट करते रहेंगे और जो लोग अब हर तरह की बात करें कि भाई ये चीज़ गलत है ये चीज़ गलत है जब पहले सितारों को मना किया जा रहा था इसको घर में मत रखो मत रखो मत रखो तुम्हारे हर रिश्तेदार ने तुम्हें डसा हर रिश्तेदार ने इसको जलील किया तो उस टाइम ये आग बघोला होती थी होती थी ना आग बघोला उस टाइम बैठ के इस तरह से बातें करती थी उस टाइम ये हल्लाशारी देती थी उस टाइम कहती थी ये भी अच्छी इसकी बीवी भी अच्छी रमज़ान भी अच्छे सब अच्छे लोग कहते थे इसके छोटे छोटे बच्चे इसकी बीवी कैसे घर में काम करेगी पर उसके काम के लिए भी उसने अपनी बहन बहन ले आए बहन बच्चे संभालती है और उसकी बीवी काम करती है अब वो सब चीज़ें कहाँ गई हैं या तो वो चीज़ें गलत थी या फिर ये चीज़ें गलत है अब किस चीज़ पे हम यकीन करें झूठ तो ये लोग खुद आके साफ से साफ बोल के चले जाते हैं और अपने आप को जो है वो मासूम बना के चले जाते हैं चले जी आएंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ रिव्यू और मेरी मेरी रोस्टिंग के साथ ठीक अल्लाह बाय गाइस